कर दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं कौन सी SMD यूज करता हूँ। तो दोस्तों, अभी फिलहाल मेरे पास चार SMD हैं। तो दोस्तों, जब मैं चार्जिंग सॉकेट और छोटा मोटा काम जो करता था IC वाला, तो मैं इससे कर लेता था जिसका मॉडल नंबर है क्यूब 850A। तो दोस्तों, ये इतना अच्छा वर्क नहीं करती है जितना अच्छा काम करना चाहिए। और ये दोस्तों बहुत सस्ती है, इसकी प्राइस लगभग मुझे ऐसे 1600-1700 के बीच में मिली थी। और दोस्तों, एक SMD है मेरे पास, ये जो आप देख रहे होगे ये बाबा टूल्स की SMD है, जिसका मॉडल नंबर है 930D। ये बाबा टूल्स वालों की है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि एक आपको सोल्डिंग आयरन इसके साथ ही मिल जाएगा, और इसमें IC का काम करने के लिए काफ़ी अच्छी है। इससे आप कोई भी बैटरी कनेक्टर, चार्जिंग जैक और फ्लेक्स में कोई भी अगर कनेक्टर होगा उसको आप आसानी से चेंज कर पाओगे। इससे क्या होता है कि जो हमारा बोर्ड होता है वो जलता नहीं है। और इसकी प्राइस जो मुझे मिली थी वो लगभग 4200 से 4300 के बीच में थी। तो दोस्तों, ये मैंने ऑर्डर करके मंगवाई थी तो थोड़ा मुझे ज़्यादा पड़ा। आप दिल्ली से आप खुद परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यूज करता था ये KT की 850, तो ये अब तो ख़राब पड़ी है मेरे पास। तो दोस्तों, ये जो आपके लिए है काफ़ी अच्छी है, और इससे IC लेवल का भी काम बहुत अच्छे से होता है। अब जो मैं इस टाइम यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास ये क्यूब की है, जिसका मॉडल नंबर है 857DW+। तो दोस्तों, इससे मैं सभी IC में वर्क अच्छे से करता हूँ, जैसे कि CPU, MMC, पावर IC, चार्जिंग कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर। दोस्तों, इससे बिल्कुल भी नहीं जलता, और इसका हीटिंग टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है, और ये 450 डिग्री तक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर परचेस करना चाहते हो तो आप इसे ही परचेस कीजिए। अगर आप IC लेवल का काम करते हो तो आपके लिए ये बेटर है, इससे अच्छी मार्केट में कोई भी SMD नहीं है। ये तो फिर आप 15,000 तक की लीजिए, तब आपको जाके इतनी अच्छी मिलेगी। वैसे कम बजट में ये सबसे अच्छी SMD है, मैं इसको खुद यूज करता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास माइक्रोस्कोप भी है, मैं इसी से सारा IC का काम करता हूँ, चाहे वो मोबाइल की कोई भी IC हो। इससे कागज जो होता है वो भी जल्दी से जलता नहीं है, जैसे कि बोर्ड में IC लगाते समय हमारा बोर्ड फूल जाता है, ज़्यादा देर तक बोर्ड में काम किया तो बोर्ड डैमेज हो जाता है या दूसरी IC को भी ख़राब कर देता है। तो दोस्तों, इस मशीन में ऐसा नहीं है, इसमें ये काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। तो दोस्तों, आप अगर इसको परचेस करना चाहते हो तो ये मैंने ख़रीदी थी AK Info से, AKT Tool से। तो मैंने दिल्ली में जाके ही परचेस किया था, तो ये मुझे 5700 रुपये की लगभग मिली थी। तो दोस्तों, इनके रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं, आपको जब भी ख़रीदना हो तभी ग्रेड में मिलेगा। तो दोस्तों, इसको मैंने 6 महीने पहले ख़रीदा था, तब मुझे ये पड़ी थी। तो धन्यवाद सभी दोस्तों का, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो हमारा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।